हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो और कर सकते हो नहीं, आप करोगे। लेकिन आपको पहले इससे पहले समझना होगा कि जैसे नॉर्मली यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, उसमें बहुत सारी मेरी भी हैं, तो आपको मतलब कहते हैं ना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं, ये बात सुनना मत, ये बात सुन लेना, इन सभी चीज़ों से बढ़ करके मैं कहूँगा कि ये वीडियो है। बिकॉज इसमें मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको कर लेना और हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी टीचर आपसे ये कह नहीं सकता जिसने पेपर सेट ना किया हो कि ये टॉपिक कर लो, सिर्फ 4-6-10 और इनमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। हाँ, लेकिन आपको जो है ना आज इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के कंप्लीट कहानी सुननी पड़ेगी। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा ताकि आप तक आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको उस छोटे टाइम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके साथ साथ ये वीडियो खास क्लास 12th के लिए जो है ना जो है डिजाइन की जा रही है, लेकिन अगर आप क्लास 10th में है फिर भी मैं आपसे बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस वीडियो को देखें। आपको एक पूरा ओवरव्यू लग जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा साइंस एंड फिजिक्स के लिए, हालांकि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा 10th क्लास के सभी स्टूडेंट से कि आपको टॉपिक नहीं बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक कर लेना, लेकिन आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। आपके लिए स्पेशली एक अलग वीडियो आएगी, फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। समझ रहे हो? सबसे पहले बात करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पीछे का मेन एम क्या है, क्योंकि अगर आप इस एम को नहीं समझे ना, आप इस टारगेट को सीबीएसई के नहीं समझे ना, तो फिर आप इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सिर्फ यूट्यूब से पिक कर पाओगे कि ये टॉपिक मुझे करने हैं, आप खुद का दिमाग नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा भाई उन स्टूडेंट से, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है ना प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज अपनी नहीं दे पाया है, केवल टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं भाई चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, और जल्दी से जल्दी पीडीएफ इन सभी की अपलोड कर रहा हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद भाई आपसे अगर वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पा रहे तो टॉप 70 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें टॉप 70 डेरिवेशंस हैं आपके लिए, इनको जरूर करें, प्लस 1 मार्क क्वेश्चन, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद भाई जिन स्टूडेंट से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिनसे कुछ भी नहीं, बोला पास करा दो बस, तो टॉप 25 क्वेश्चन, पूरी फिजिक्स का रस जो आपके लिए जो निकाल के लेकर के आए हैं, प्लस 1 मार्क क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। देखो 1 मार्क क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं दिए, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन से कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए अच्छे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आप आराम से पास हो जाओगे। इसके बाद हमने जो है ना कल एक वीडियो अपलोड की है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो हमने कल आपको बता दिए। अब आपको जो है ना, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिक मार्क करवा दूंगा मैं कि भाई एनसीईआरटी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार करें, भाई जड़ी बूटी है ये जो टिक मार्क जो मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब बात करेंगे अपने काम की, अब हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इनको जरूर जरूर चेक करें। सबसे पहले एक स्टूडेंट को यह समझना होगा कि केस स्टडी, आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो ना ध्यान से तो यह बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करके निकल चुके होंगे अभी तक। सबसे पहले एक स्टूडेंट को यह समझना होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पीछे सीबीएसई का एक्चुअल में मोटिव क्या है, क्योंकि दिमाग जब जो है ना सोच में पड़ जाता है कि फिजिक्स में चलो मान लेते हैं, साइंस में मान लेते हैं, केमिस्ट्री में मान लेते हैं, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में देने का रीजन है, आप ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, आपको इस बात पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसे मान लो अगर मैं ये वीडियो 5-6 मिनट की बना रहा हूं तो इसके पीछे रिसर्च जरूर जो है ना कई घंटों की रिसर्च करनी पड़ती है, इतना जो है ना कम से कम अगर आप अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कम से कम आपके द्वारा 5-6 मिनट की वीडियो में भी आप तक कुछ गलत बात ना पहुंचे। तो मैं आपसे कहूँगा भाई जब मैंने जो है फिजिक्स के लिए जब आपके लिए ये वीडियो डिजाइन कर रहा था मैं, तो मैंने जो है ना किसका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का आपने सैंपल पेपर देखा, फिजिक्स के सैंपल पेपर में आपने क्वेश्चंस देखे, वहां से आपको एक आइडिया, वहां से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार पूछा जा रहा है। लेकिन जब आपके दिमाग की घंटी जब बजती है, जब आप मैथमेटिक्स का जो है सैंपल पेपर देखते हैं और मैथ्स के सैंपल पेपर में
आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, समझ रहे हो, तो आपको फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, साइंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, केमिस्ट्री में कैसे सैंपल बेस्ड जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसका आइडिया आपको मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर से लगता है, है ना। तो भाई आप अगर ये सोचोगे कोविड की सारी बातों को सुनना, तब जाके आप खुद का दिमाग चला पाओगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खुद से पिक करोगे, ठीक है ना। और आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है ना। अब केस स्टडी आप सोचो ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई क्यों पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं भाई इस साल कोविड आ गया इसलिए, नहीं, मेन रीजन है कि भाई स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का हाल उतना अच्छा नहीं है जितना कि आइडियल केसेस में होता है, तो स्टार्टिंग से ही जो है ना गवर्नमेंट के पास लेटर्स पे लेटर, लेटर पे लेटर, रिकमेंडेशन, बहुत सारे सजेशन पहुंचते हैं कि ये आपको चेंजेस करने चाहिए, तो बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे सजेशन पहुंचते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना सोचती रहती है, और जो है ना उसका मेन मोटिव ये है कि स्टडी को रियल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जोड़ना है, ठीक है ना। तो मेन एम सीबीएसई का क्या है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ फेनोमेनास जो हो रहे हैं, रियल लाइफ थिंकिंग के साथ स्टडी को कैसे जोड़ना है, बात समझ रहे हो। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, भले ही आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, या फिर आपको साइंस पढ़ना हो, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपको मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में देखने को मिलता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पूछने का मेन मोटिव क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पूछने का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको जो ना कोई भी एक पैराग्राफ उठा के दे दिया, या कोई भी क्वेश्चन उठा, कोई भी जो है ना टॉपिक उठा के दे दिया, और उसमें से जो है ना आपको चार पांच क्वेश्चन पूछ ले, बोला अब इसको आपको चार क्वेश्चन करने हैं, ये आठ नंबर क्या भाई, पांच पांच नंबर, आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, पांच पांच आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, और चार चार क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ रहे हो। तो आठ नंबर का ये पोर्शन कंप्लीट हमारी रियल लाइफ की थिंकिंग को जो है ना डेवलप करने के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मेन एम क्या है रियल लाइफ, क्योंकि आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखो, इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो है ना एक फ्लोर के बारे में, एक स्टोरी के बारे में इसमें जो है ना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अब उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। नीचे वाला देखेंगे तो आपको जो है ना कह दिया भाई एक फाइल आई है, इसका 50% काम इसने कर दिया, इसका 40% काम इसने कर दिया, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ आपको डील करना है, बात समझ रहे हो। चलिए तो यहां से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चाहे आप केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में अगर आप देखें, तो आपको यदि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को पकड़िए, सबसे पहले उन टॉपिक्स को पकड़िए जो कि हमारी डेली लाइफ में, जिनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन पॉसिबल है आसानी से। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, बात को सुनना, बहुत सारे लोग तो स्किप कर चुके होंगे अभी तक, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जैसे सीबीएसई ने जो सैंपल ऊपर दो क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, रियल लाइफ एग्जाम्पल कि भाई हम जो है ना कार में अगर बैठ जाए, बिजली गिरेगी तो हम जो है उससे अनअफेक्टेड रहेंगे, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है क्या। हाँ, इसके बाद ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का उसमें क्वेश्चन दे दिया सिंपल ऊपर में, एकदम रियल लाइफ कि भाई डायमंड कितना चमकता है, तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के ऊपर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो इन चीजों को जब मैथमेटिक्स के सैंपल ऊपर देख लो, फिजिक्स के सैंपल ऊपर देख लो, केमिस्ट्री का, साइंस में मतलब जो साइंस का सैंपल ऊपर देख लो, तो इन सबसे एक चीज, इन मतलब मैंने इन सभी सैंपल ऊपर को स्टडी किया है ना आपके पास ये वीडियो पहुंचाने से पहले, तो इन सबसे एक ही चीज निकल के आ रही है कि रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, और वो टॉपिक्स जो हमारी बुक में दिए हैं, जो आसानी से रियल लाइफ में पॉसिबल है, उनको समझना, उनको सोचना, उनको कनेक्ट करना, वो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के लिए अपन कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, आप मैं बोलता जाऊंगा, आप इनको जरूर लिखते जाएं, सिर्फ 30 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, अदरवाइज सर बोलो पीडीएफ दे दो। मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में चाहता हूं आपसे कि आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं आपको सिर्फ अगली वीडियोस में पीडीएफ सैंपल पेपर के मतलब पीडीएफ खुद से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के देता जाऊं, या फिर आपको सॉल्व भी कराऊं और पीडीएफ भी दूं। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आपका कमेंट चाहिए, समझ रहे हो ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें या ना करें, मुझे सिर्फ आपके कमेंट से मतलब है। अगर मैं थोड़ा भी टाइम अपने लिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं, अगर मैं थोड़ा भी टाइम अपने लिए दे रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं कि आपको किस तरह से नेक्स्ट वीडियो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर चाहिए। आपने बहुत सारे कमेंट किए प्रीवियस वीडियो में, जिसका रिजल्ट है कि आप जो है ना डायरेक्ट पहली वीडियो मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए डिसाइड की। तो भाई कुछ टॉपिक्स आप जो है फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के लिए जरूर नोट कर लें, और इनके ऊपर हम
क्या करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पॉसिबल होगा वैसा काम अपन कर लेंगे। तो यहां पर देखो आपको बताएं कि एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में पॉसिबल होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो जो है ना आपको करने हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, मतलब एक बुक को स्कैन करके जो है ना आपको बताया है कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखेंगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एडी करेंट, मतलब या फिर मैं उल्टा बोल दिया मैंने कि एडी करेंट के क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। एडी करंट का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। देन रेडियो ट्यूनिंग हम देखते हैं रियल लाइफ में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर क्वेश्चन बनता है। ये आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे ही आएगा, लेकिन हाँ ऐसे ही टॉपिक में से आएगा, आप इनको प्रैक्टिस जरूर करना है, बिकॉज इनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। देन आप देखेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अब अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई अर्थिंग करने से किस तरह चार्ज का ट्रांसफर होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में गैसेस में और जो है ना आयंस वाइंस, ये समझ रहे हो ना कि किसके अंदर मोबिलिटी किसके कारण होती है, तो ये सारी बातें आपको जो है ना इसमें समझनी है। अब आप देखोगे आगे बढ़ोगे तो एसी एंड डीसी में पूछ लेगा, मतलब कोई भी पैराग्राफ उठा के उसने आरएमएस वैल्यू का फिर पूछ लिया कि ये बताओ कि एसी की वैल्यू मतलब एसी ज़्यादा डेंजरस क्यों है, आप सोचो ना, और उसके पीछे का जो है आपसे फिजिक्स का रीजन पूछ लेगा आम बात की जगह, समझ रहे हो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा लेकिन अपन को हार्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए रेनबो प्रिज्म, इसके बाद रे ऑप्टिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट है जैसे कि मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग ऑफ वाटर, शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से जो कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पूछा गया था ना। चलिए एक बार फिर बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एडी करंट, रेडियो ट्यूनिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अर्थिंग, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, हाँ, रेनबो प्रिज्म, रे ऑप्टिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट, मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग ऑफ वाटर, शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको खुद की साइड से एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, आपको खुद को इसमें काम करना है, और मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपसे बनेगा। तो बस यही कहूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, आपका कमेंट बहुत खास है, ठीक है ना। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर देना। हालांकि आप नहीं करोगे फिर भी कहूंगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो इस चैनल की ग्रोथ में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।